गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी थर्ड लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे विलोम शब्द, सबसे पहले पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एंटोनिम्स, वैसे ही हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं विलोम शब्द, मतलब जो वर्ड रहेगा उसका उल्टा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर, 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 ऊपर का ऑपोजिट होता है नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दूसरा है प्रश्न, प्रश्न, प्र आधा स न, प्र आधा स न, प्रश्न, प्रश्न का आंसर होता है उत्तर, उत्तर, प्रश्न उत्तर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं छोटा बड़ा, नंबर थ्री है छोटा, छोटा का अ विलोम शब्द होता है बड़ा, बड़ा में आ की मात्रा, बड़ा। फिर है ज्यादा कम, ज्यादा कम, नंबर फोर है ज्यादा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा का ऑपोजिट क्या होता है, विलोम शब्द होता है कम, कम। फिर नंबर फाइव हार, हार का मतलब यहाँ पे हार जीत है, ठीक है, यह गले का हार नहीं है, तो हार का विलोम शब्द है जीत, हार जीत, ये रहा हार जीत। और लास्ट है नंबर सिक्स अच्छा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा ग्रामर में, आज हम लोग ने पढ़ा विलोम शब्द, जिसका क्या होता है ऊपर नीचे, फिर प्रश्न उत्तर, छोटा बड़ा, ज्यादा कम, हार जी, अच्छा बुरा। तो ये जो छह मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, इन्हें लिखना और लर्न करना। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रामर पे। नेक्स्ट है हमारा लिंग बदलो, लिंग बदलो, लिंग बदलो, ये है लिंग और बदलो, बा बदलिए। लिंग बदलो का मतलब होता है मस्कुलाइन फेमिनाइन, मतलब मेल और फीमेल, ओके। उसी तरह हिंदी में उसको लिंग बदलो कहते हैं। तो सबसे पहला है माता पिता, अगर माता दिया है तो उसका लिंग बदलो अगर होगा तो क्या होगा, पिता, माता पिता, माता पिता। फिर उसके बाद है बेटा बेटी, उसके बाद है बेटा बेटा बेटी, बेटा बेटी, माता पिता, बेटा बेटी। उसके बाद पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। उसके बाद है छात्र छात्रा, छात्र छात्र छात्रा। फिर है नंबर फाइव, उसके बाद आता है मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। मुर्गा मुर्गी, माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, छात्र छात्रा, मुर्गा मुर्गी। उसके बाद है
नंबर सिक्स चूहा, चूहा सॉरी चूहा चुहिया, चूहा चुहिया। फिर उसके बाद आएगा शेर शेरनी, शेर शेरनी, शेर शेरनी। ठीक है, उसके बाद नंबर एट है, नंबर एट है मामा मामी, मामा मामी, मामा मामी। फिर है नंबर नाइन चाचा चाची, चाचा चाची, चाचा चाची। और लास्ट नंबर टेन बैल गाय, बैल गाय, बैल गाय। तो हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा, लिंग मतलब है माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, छात्र छात्रा, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, मामा मामी, चाचा चाची, बैल गाय। ओके, ये था हमारा लिंग बदलो। अब आते हैं एक वचन बहुवचन में, एक वचन बहुवचन। ओके, वचन बदलिए मतलब सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, तो उसको हिंदी में कहते हैं वचन बदलो, वचन बदलिए वा वचन बदलो। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग रहेगा वचन बदलो, वचन बदलो। इसमें एक तरफ यहां पे लिखा जाता है एक वचन और इधर होता है बहुवचन। एक वचन बहुवचन, तो पहला है चूहा, तो चूहा का क्या होगा चूहे, चूहा चूहे। फिर नेक्स्ट है केला केले, नंबर टू केला केले, केला केले। नंबर थ्री घोड़ा घोड़े, घोड़ा घोड़े। नंबर फोर कार कारे, कार कारे, कार कारे। चूहा चूहे, केला केले, घोड़ा घोड़े, कार कारे। इसके बाद आता है नंबर फाइव गाय, तो गाय का होगा बहुवचन गाय, गाय। ओके, फिर है नंबर सिक्स, नंबर सिक्स है माता, माता, माता का होगा माताएं, माताएं, माता माताएं। नंबर सेवन, नंबर सेवन है तितली तितलियां, तितली तितली तितलियां। फिर है टोपी टोपियां, टोपी टोपियां। गली गलियां, गली गलियां।
उसके बाद रोटी रोटियां, रोटी रोटियां, ये था हमारा वचन बदलिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे लिंग, ठीक है, लिंग बदलिए मतलब मस्कुलाइन फेमिलाइन। अभी हम लोग ने पढ़ा वचन बदलिए मतलब सिंगुलर प्लूरल, और हम लोग ने पढ़ा विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कॉपी में लिखना है और उन्हें लर्न करना है, ओके। आज यहीं तक हिंदी क्लास, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।